आज आम मैंने सबुठारु सहज फुला फुला आलू पराठा बने की रेडी करिबा। आपण माने भाबुथिबे ना आलू पराठा बनेबा पई घंटा घंटा समय दरकार, किंतु बिल्कुल भी नहीं। आज आम मैंने मात्र 10 मिनिट भितर ही पूरा परिवार पई आलू पराठा बने की रेडी करिबा। एमती का आलू पराठा सह कोनोसी तरकारी रा आवश्यक मध्य रहिबो नाही। याकु आपण माने एमती मध्य खाइ पारंती। नमस्कार, मु लक्ष्मी, रोसई विथ लक्ष्मी रे आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। रेसिपीटी स्टार्ट करने पूर्व जदि आपण माने मो चैनल ले नुआ किंबा मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नांती तेबे फटाफट सब्सक्राइब करके पाखरे थिवा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सिलेक्ट करि नियंतु। ताहाले असंत स्टार्ट करबा आजिर रेसिपी। सेथि पई प्रथमे मु गोटे बाउल रे दे दोची 1.5 कप अटा। आपण जेतिकी पराठा बनाइक चाहंथिबे सेही हिसाब रे अटार क्वांटिटी कम बेसी मथि करि पारंती। आ एबे इतरे दे दबा स्वाद अनुसार लूण, तापर अल्प अल्प पानी देकी एको भल भाबरे चकड़ी नबा। यार गोटे डो बने की रेडी करी नबा। एथिरे हमें किछि भी एक्स्ट्रा जिनस देबा नहीं। आम घरे जेउ सबु जिनस सहज रे मिली परबो ताकू ही नेकी आज हमें आलू पराठा बनइबा। तो एटी देखंतु मु अटा को भल से चकटी नेछि। अटार डो को आपण बेसी हार्ड रखिबे नहीं किबा बेसी सॉफ्ट मध्यम करबे नहीं। एई भली भाबरे चकटी नेबे। तापर एबे आक हमें कवर करके पाखा पाखी 5 रु 10 मिनिट पर्यंत रेस्ट दे दबा। सेते समय भितर आसंतु हम आलू पराठा पई हमें आलू पूरा बनै नबा। सेठी मुझे मीडियम साइज रो 5टी सीजा आलू जार की चोपा छड़ेकी रखी। ये आलू को आम प्रथम भल भाव चकटी नवा जमी आलू किसी खंड खंड अंश न रुहे। तो ये देखो आलू को मुझे चकटी नहीं भल भाव में देदेबा स्वाद अनुसार लुण, अध छोट चमच टू टी कम देदेबा लंका गुंड, ता सहित अध छोट चमच देदेबा भजा जीरा गुंड, अध छोट चमच देदेबा धनिया गुंड, अध छोट चमच देदेबा हलदी गुंड, ता सहित टिके चटपटा फ्लेवर पे हमें अध छोट चमच देदेबा चाट मसला। जदि आपन पाखे चाट मसला नहीं आपन स्किप मध्य करि पारंती। एबे इथरे अल्प टिके देदेबा गरम मसला। आ एटी देखंतु मु 2टी कंचा लंका को एकदम छोट छोट काटिक रखिछि। कंचा लंका को देदेबा। लंकार क्वांटिटी आपन हिसाब रे आपन कम बेसी मध्य करि पारंती। आ एबे इथरे मु गोटे छोट साइज रो प्याज को एकदम छोट छोट काटिक दे दोछि। आपन जदि बिना प्याज रसुन रे बनेबा पे चाहथिबे एटी प्याज को स्किप मध्य करि पारंती। ता सहित किछि फ्रेश धनिया पत्र को एकदम छोट छोट काटिक दे देछि। बास एतिक जिनस दे साला पर ए सब जिनस को हम टिके भल भाबरे हाथ रे चकटी नबा। एठी देखंतु ए सब जिनस को मु भल भाबरे मिसेई नैछि। एबे हमर पूरा बनि कि बिल्कुल रेडी हे गला। जेमिति कि मु कहितली आजि रा आलू पराठा को हम बहुत सहज उपाय बनेबा। सेथि पई ए पूरो को हम बिल्कुल भी कसिबा नाही, एम्ति ही बनेबा। देखिबे यार स्वाद मध्यम बहुत बढ़िया आसीबो। एबे असंत हम अटा को चेक करि नबा। अटा को रेस्ट दबार पाखापाखि 10 मिनिट हो जाए। 10 मिनिट भितर अटा हमारे भल भाव सेट हो जाए। या को आम जस्ट एमती टिके चकटी नबा। तापर देखंतु हाथ रे एमती गुला करि नबा। नॉर्मल रोटी पे आम जेमिति गुला बनै थाउ ताठू टिके बड़ साइज रा डो को आपण हाथ रे नै जिबे। आ एमती गोल गोल करके गुलार शेप दे देबे। तापर देखंतु एठी मु आकु टिके हाथ रे एमती फ्लैट करि नउची। आ जेमिति आम मंडा पिठा गढ़ी थाउ ना सेही टाइप रे याकु भी आम गोटे गिनार शेप दे दबा। एमती गिनार सेप देदेले कौन हम ना आम या भितर स्टफिंग टाकू भल भाव में भरी पारिबा। एमती गिना भलिया करि साला परे इथरे मु 2 बड़ चमच पाखापाखि दे दोची आलू रो स्टफिंग। जेहेतु आम आलू पराठा बनाऊचे सेथिबे अटार फ्लेवर को बेसी आनिबा नहीं। जेमिति आम पार्टी रे आलू रो फ्लेवर बेसी आसीबो सेही हिसाब रे आम अधिक टिके आलू पुर देकी एई पराठा को बनेबा। तापर देखंतु एई भली भाव में आम याको कवर करि नबा। जेमिति आम मंडा पिठा को कवर करि थाउ ठीक सेही भली भाव में एमती कभर कर साला परे ऊपर जहाँ भी एक्स्ट्रा अटा बाहर माने जोटा बड़का अटा बाहर सेटा को आम बाहर करि नबा। तापर हाथ साहाय्य रे आम याको टिके साइज करि नबा जेमिति एटा फाटी न जाए। तापर देखंतु एटी मु ताको टिके एमती फ्लैट करि नउची जहाँ फल रे बेलिबा पई सुविधा हबो। एमती फ्लैट कर साला परे आम कोन करिबा ना याको गोटे बेलेना पेड़ी किबा जेउथरे आपण रोटी को बेलिबे तार ऊपर देई देबे। आ ता ऊपर किछि सुखिला अटा किबा मैदा डस्टिंग करि नेबे। गुड़ार दुईपट सैड्रे सुखिला अटा लगे सारा पर आम गोटे बेलेना काठी साहाय्य जेमिति आम रुटी बेली थाउ से भाव में एमती गोल करके बेली नबा। किंतु रुटी को आम पतला बेली थाउ एठी आम बिल्कुल भी बेसी पतला करबा नहीं। एई भली भाव में मोटा रखिक बेली नबा। आउ देखंतु एठी आलू पराठार साइज मु बिल्कुल भी बेसी बड़ करिनी। एई भली भाव में एमती मोटा रखिछि। आ एई साइज रो ही बेलीछि। आपण माने बिल्कुल भी बेसी मोटा करबे नहीं। ताहाले आसंतु एबे याको सेकिबा। सेथिपाई मु गोटे तावा गरम करि नेछि। तावा भल से गरम हेकला परे आमे बेली की रखि थिबा आलू पराठा को ए तावा ऊपर देइ दबा। गैस रा फ्लेम को आमे लो टू मीडियम रे ही रखिबा। मीडियम फ्लेम रे प्रथमे गोटे पट साइड को कुक होबा पेन छाडी दबा। गोटे पट साइड भल भाबरे सेकी हेकला परे आमे को ओल्टेइ की आरा पट साइड को मधे हल्का टिके सेकी नबा। दुई पट साइड टिके सेकी हेकला परे आमे ए पराठा ऊपर किछि तेल किबा घियो देइ दबा। एटी मु 2 चमच पाखापाखी रिफाइन तेल दे दूची। आपड़ चाहिए घी मधे दे पारती। एमती तेल दे सारा परे आपको भल से पराठा ऊपर लगे ना तापर आम कौन करना पराठा ऊपर टी प्रेस करी चापी चापी पराठा को सेकिबा जहाँफल पराठा आमर भितर भल से कुक हो पार ता सहित पराठा आमर बिल्कुल फुला फुला ही बनब। ये देखो मु चापा मात्रे पराठा आमर केते सुंदर भाव में फुली जाऊँगी। आपण माने एई सब टिप्स को ध्यान रखंतु देखिबे आपनका पराठा बिल्कुल भी फाटिबो नहीं आ ता सहित सब पराठा गुडा को फुला फुला बनिकी रेडी हेबो। एई भली भाव में मु दुई पट साइड को भल भाव में गोल्डन करके सेकी नेबी। एई भली भाव में पराठा को मु 2 रु 3 थरा एपट सेपट करके सेकी नउची। जदि आपण हाई फ्लेम रे पराठा को सेकी नेबे ताले कोन होना पराठा ऊपर तो गोल्डन हि जिवो किंतु भितरु अटा गुडा का कंचा कंचा लागिवो। सेथिपाई मीडियम फ्लेम रे ही पराठा को 1 मिनिट पर्यंत भल भाव में सेकी नेबे। एइटी देखंतु 1 मिनिट रु भी खूब कम समय रे हम पराठा भल भाव में सेकी हेकी रेडी ही गला। एबे एक हमें बाहर करके गोटे प्लेट किंबा थाली मधे रखी नबा आ बाकी सब पराठा को मधे एई सेम प्रोसेस रे सेकी की रेडी करि नबा। एइटी देखंतु मु किछि पराठा को सेकी की भल भाव रे रेडी करि नेछि। एई पराठा को आपण माने एमती मधे खाइ पारंती। एई पराठा सहित कोनोसी भी तरकारी रा आवश्यक पड़िबो नाही किंतु एई पराठा को एटी मु मीठा दही सहित सर्व करिछि। एमती का आलू पराठा को आपण माने मीठा दही सहित खांतु देखिबे पूरा स्वाद 2 गुणा बढ़ि जिवो। आ एटी मु आपण माने को पराठा को चिरिकी मधे देखि देउछि। देखंतु पराठार चारिआडे स्टफिंग टा पूरा समान भाव रे अछि। ताहले आशा करुछि आज रही रेसिपीटी आपण मानकु निश्चित पसंद आसीथिबो। पसंद आसीथिले वीडियो को लाइक शेयर करबा को बिल्कुल भी भूलंतु नाही। ताहले आज पे रहुछि बाय। पुणी देखा आप आउ एक नुआ रेसिपी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।